कुछ दिनों पहले भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच धक्का मुक्की की खबरें सामने आई थी। So you making road Artia, you making road. So चीनी सैनिक सीमा पर सड़क बना रहे थे और भारतीय सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। चीन S-204 सड़क चुंबी घाटी तक बना चुका है, जो भारतीय सीमा के नाथुला दर्रा के बहुत करीब है। चीन इस सड़क की आड़ में डोकलाम पठार पर कब्जा करना चाहता है। डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। डोकलाम पठार भारत, चीन और भूटान की सीमा से सटा हुआ है। असल में ये भूटान का इलाका है। चीन इस क्षेत्र में भूटान से होकर सड़कों का ऐसा जाल बिछाना चाहता है जिससे वह डोकलाम पर कब्जा कर सके। पांच कोणों से बना यह इलाका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत नहीं चाहता है कि चीन भूटान जैसे छोटे और कमजोर देश को डरा धमका कर समुचित भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा कर ले। पठार के ऊंचाई पर होने से भारतीय सेना की पोस्ट के लिए चीन का कब्जा खतरनाक हो सकता है। डोकलाम से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी महज 50 किलोमीटर के करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऐसा इलाका है जिसे शेष भारत नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से जोड़ता है। 200 किलोमीटर लंबे और 60 किलोमीटर चौड़ा यह कॉरिडोर देश की एकता के लिए काफी जरूरी है और इस पर कब्जा कर लेने से भारत का समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र और भूटान ड्रैगन की पहुंच के भीतर होगा। इसलिए भारत नहीं चाहता है कि चीनी सैनिकों की पहुंच डोकलाम तक हो।